अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मैथ का टीचर दारे अरकम स्कूल से। आज हम पढ़े हैं ग्रेड 3 की मैथ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है 3 डिजिट नंबर्स की एक्सपेंडेड फॉर्म। आज हम पढ़ेंगे वीक 2 की डे 6 की डायरी हमारे पास मौजूद है, जिसमें हमें एक्सपेंडेड फॉर्म की जो है 4 एग्जांपल्स दी हुई हैं। कहा है कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, जिसमें से एक यानी एग्जाम्पल ए मैंने यहाँ लिख दी है, ये मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। बाकी के 3 एग्जांपल आपने खुद करनी है। अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है। एक्सपेंडेड फॉर्म बेटा, ये मिसाल के तौर पे ये एक वैल्यू है, तो इस वैल्यू में जितने भी डिजिट हैं हमारे पास, उन तमाम डिजिट की कोई ना कोई प्लेस वैल्यू होगी, जो कि हमने लास्ट क्लास में जो है वो पढ़ भी ली थी कि हर एक वैल्यू की अपनी प्लेस वैल्यू होती है, वो हम प्लेस वैल्यू चार्ट से निकालते हैं। 3 डिजिट नंबर है। अब हर सवाल में हम पूरा प्लेस वैल्यू चार्ट बना नहीं सकते। हम क्या करेंगे, सिंपली इसके ऊपर इसको मेंशन कर देंगे कौन सी वैल्यू कहाँ आ रही है। सबसे पहली वैल्यू हमारे पास होती है यूनिट में, दूसरी होती है टेंस, तीसरी होती है 100। हमने जब इसके ऊपर प्लेस वैल्यू के सिंबल्स लिखे तो हमें मालूम हुआ कि जो 3 डिजिट नंबर है इसमें 4 हमारे पास यूनिट है, 6 10 है और 5 100 है। इससे हमारे पास ये सिचुएशन वाजे हो गई कि हर एक वैल्यू एक अपनी प्लेस वैल्यू के साथ जो है वो यहाँ मौजूद है। एक्सपेंडेड फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम जस्ट इसको एक्सपेंड करते हैं इसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से। मिसाल के तौर पे 5 है वो 100 पे आ रहा है, तो ये क्या है, 500 है। 60 टेंस पे आ रहा है तो वो क्या है, 60 है। 4 यूनिट पे आ रहा है तो वो क्या है, यूनिट है। ठीक है, हमने जस्ट इसको इस हिसाब से लिख देना है। सबसे पहले हमारे पास है 5 क्या है, 500, हमने लिख दिया 500। 6 हमारे पास टेंस में, हमने क्या लिखा, 60। 4 जो है वो तो यूनिट्स में है, तो 4 हम एज इट इज़ 4 लिख देंगे। अब इन तीनों के दरमियान में साइन कौन सा आएगा, इन तीनों के दरमियान में साइन आएगा प्लस का। जाहिर सी बात है ये सारे प्लस होके ये एक वैल्यू बना रहे हैं। 500 में 60 प्लस करें, उसमें फिर 4 प्लस करें, हमारे पास क्या आएगा, 564। तो ये हमारे पास ये कहलाती है एक्सपेंडेड फॉर्म। 3 डिजिट नंबर की हमने एक्सपेंडेड फॉर्म आज कर ली है। एग्जांपल 1 मैंने आपको करवा दिया है ए, एग्जांपल बी सी एंड डी ये आपने खुद करने। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।